दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वो इस वक्त पार्टी में मौजूद ऐसे दोस्तों और मुंतखब नुमाइंदों को माइल करने की कोशिश कर रहे हैं जो पार्टी पॉलिसियों से नाला हैं। 2002 में पार्टी को तकसीम और 17वीं तरमीम पर डेस्क बचाने वाले आज पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बने बैठे हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन दोस्तों को जो पीपल्स पार्टी की कयादत से मायूस हैं, जो उनकी पॉलिसी से नाला हैं, उनको माइल करने की कोशिश कर रहा हूं। उन्हें ये अर्ज कर रहा हूं कि उन्हें खड़ा होना चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा जो पीपल्स पार्टी की सिमत है ये वो नहीं है जिसका तायुन बेनजीर भुट्टो साहिबा ने किया था। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आज पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और तवानाई का बुहरान है। इस सूरतेहाल पर नजरियाती कारकुन मायूस है। इस लुटेरे टोले से निजात के लिए अवाम और मुंतखब नुमाइंदों को उठना होगा। उन्होंने कहा है कि पार्टी की पॉलिसियों से मायूस बहुत से दोस्तों और मुंतखब नुमाइंदों ने अपनी हिमायत का यकीन दिलाया है, ताहम उनको पार्टी छोड़ने की कोई जल्दी नहीं है। मैंने अपने हलके के जो दोनों मुंतखब मेंबरान सूबाई असेंबली हैं उनसे मशावरत की थी और उन्होंने मुझे अपने साथ का यकीन दिलाया है। मेरी पार्टी के बहुत से एमएनएज हैं और बहुत से एमपीएज हैं, उनसे भी मशावरत जारी है और उनका भी जो है मुझे जो उनका जो अंदिया मिल रहा है, जो राय मिल रही है, वो गैर मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी तहरीके इंसाफ में जाकर बड़ी गलती करेंगे, जिसके जवाब में शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, ताहम वक्त आने पर उनका फैसला सबके सामने आ जाएगा और ये अवाम के मफाद में होगा।